दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपकी क्लास टेंथ की भौतिक विज्ञान शुरू करने वाला हूं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइट, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश। एक्चुअल में प्रकाश क्या है? ये एक ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है, और एक ऐसा रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। मतलब इसकी वजह से हम वस्तु आराम से देख सकते हैं। जैसे ये हमारा पेन है, अगर ये अंधेरे में रखा होगा तो हमें नहीं दिखाई देगा ये कहाँ पर है। अगर वहीं कहीं दूर से अगर इस पर लाइट डाली जाए, ठीक है, अंधेरे में भी दूर से अगर लाइट डाली जाए, अगर इस पर लाइट आ जाएगी तो ये हमको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। जब तक वस्तु के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक वह दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि टेढ़ा मांग चुका किधर से भी किधर चला जाएगा, ठीक। प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, मतलब उसमें वैद्युत की प्रकृति और चुंबक की प्रकृति दोनों तरह की प्रकृति होती है, जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है, ट्वेल्थ में, इलेवन ट्वेल्थ में, ठीक है, जो भी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के रूप में होता है। जो हमारा प्रकाश है वो एक वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम होता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले उसमें हमारी एक गामा रे होती है, एक्स रे भी होती है, यूवी रेज भी होती हैं, विजिबल रे होती हैं, इन्फ्रारेड रे होती है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है, जो कि हमें इसमें से ये वाल गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, इन्फ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे, रेडियो वेव रे, ये हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती, ठीक है, पर हम विजिबल रे को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वाइट लाइट या दृश्य प्रकाश बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम नग्न आँखों से आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको याद करने की जो ट्रिक है हमारी, तो हमने इसको ट्रक बनाई है, गामा एक्स यू वी आई एम रेडी। गामा मतलब गामा रे, एक्स एक्स रे, यू यू मतलब यू वी, यू वी रे, वी मतलब विजिबल रे, आई मतलब इन्फ्रारेड रे, एम इज़ द माइक्रोवेव एंड रेडी इज़ द रेडियो वेव, ठीक है। गामा एक्स यू वी आई एम रेडी, गामा एक्स यू वी आई एम रेडी, ठीक है। दो तीन बार इसको रिपीट कर लेंगे, याद हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दृश्य प्रकाश। अब सबसे पहले एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब गामा से एक्स रे, यू वी, विजिबल, इन्फ्रा, माइक्रो, रेडियो, तो इधर से इधर बढ़ने पर हमारी लैम्बडा मतलब तरंग दैर्ध्य ये बढ़ती है, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य है क्या, उसको समझ लेते हैं। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, ये तो पता है हमें, ठीक है। अब देखो, जो हमारी जो हमारा जो प्रकाश है, ठीक है, एक सीधी रेखा में चलता है, पर इसको हम थोड़ा सा जूम करें, लाइट को थोड़ा सा जूम करें, तो वो एक वेव के फॉर्म में चलता है, मतलब तरंग के रूप में। किसके रूप में चलता है? एक तरंग के रूप में चलता है। अब तरंग किस तरह से होती है, जैसे हमारी कोई एक एक्सेस है, तो यहाँ से चलेगी, थोड़ा सा ऊपर उठेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर उसी पॉइंट पर फिर उठेगी, फिर नीचे करके एक तरंग के रूप में हमारी प्रकाश चलेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, टी टाइम में और वी चाल से जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, उसे ही हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य या लैम्बडा, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक इसने अपनी डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। तो जितने टी टाइम में वी वेलोसिटी से जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को हम क्या बोल देते हैं? लैम्बडा, ठीक है। वैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन वो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक, दूरी बट्टे समय। सपोज कर लो वी चाल से चल रही थी और उसने डिस्टेंस कवर करी लैम्बडा और यहाँ से टी, तो यहाँ पर जो हमारा लैम्बडा आएगा वो हो जाएगा वी इंटू टी, ठीक है। तो एक तरह से लैम्बडा जो है वो एक डिस्टेंस है, दूरी है, क्या है हमारी? दूरी। और प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आपको याद रखना है कि जो प्रकाश की चाल पूछ ले वो भी निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कुछ भी ना हो, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आते हैं हमारा विजिबल रे, मतलब दृश्य प्रकाश क्या है हमारा। अभी हम क्या है, बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेंथ में तो वैसे बहुत कुछ है, सॉरी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, पर हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं लाइट के बारे में, प्रकाश है क्या एक्चुअल में। तो हमने प्रकाश के बारे में सबसे पहले वे बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, और एक वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम होता है इसके अंदर, जिसमें हम एक्स रे, गामा रे, यू वी, विजिबल, इन्फ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव, जिसमें हमने एक बताया विजिबल रे, जिसको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम दृश्य प्रकाश देखते हैं, इसको बोलते हैं विजिबल रे, दृश्य प्रकाश। इसमें 7 कलर होते हैं, कितने कलर होते हैं? 7, वी आई बी जी वाई यू, जिसे हम ट्रक से याद रख सकते हैं, विवग्योर, या हिंदी में जो बच्चे याद करना चाहते हैं उन्हें बोलते हैं बेनी आह पीनाला, ठीक है।
ये सातों कलर मिलके वाइट कलर बनाते हैं, मतलब सफ़ेद रंग एकदम वाइट। ठीक है, विविध कलर के फुल फॉर्म क्या है? वी मीन्स होता है वायलेट, आई मीन्स होता है इंडिगो, बी होता है ब्लू, जी होता है ग्रीन, वाई होता है येलो, ओ होता है ऑरेंज और रेड, आर होता है रेड, बी मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो ऐसे दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं हमारे? सात रंग होते हैं, जिसे हम विविगर बोलते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं बैनी आह पीनाला, और ये सातों कलर मिलके वाइट कलर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो विविगर होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, अभी हमने तरंग दैर्ध्य बताई क्या होती है, जो उसकी जो तरंग दैर्ध्य है इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पर जो आपकी वायलेट होती है, मतलब इसकी जो दृश्य प्रकाश है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में आती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। मैंने भी बताया था कि इधर से इधर चलने पर लैम्डा क्या होता है हमारा? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें विजिबल रे में सात कलर आ जाएंगे आपके, तो यहाँ से वायलेट, वायलेट से रेड की तरफ जब आप बढ़ोगे तो इसकी लैम्डा बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे कम लैम्डा किसकी होगी? वायलेट कलर की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेड कलर की। जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है, जो एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी बड़े एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जो कि बेसिक चीज़ पता नहीं होती तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और अगर जिस जैसे इस तरह इधर से इधर जाने पर इसकी लैम्डा बढ़ रही है, पर इसकी जो एनर्जी या ऊर्जा वो होगी वो डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो होती है रेडियो वेव की, और सबसे ज़्यादा लैम्डा किसकी होती है? रेडियो वेव की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसको हम कैसे दिखाएंगे? ए बनाएंगे और इसके ऊपर बना देंगे एक जीरो, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस है। अब आप चाहो तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर, समझ रहे हो कितनी छोटी डिस्टेंस है? एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर, एक मीटर नहीं, 10^-10 मीटर, तो ये बहुत छोटा होता है। डिस्टेंस के जो मात्रक है ये बहुत छोटा होता है, ये इससे भी बहुत छोटा। ठीक है, चलिए, जो हमारी जो लाइट होती है, ठीक है, वो ये नहीं है कि एक किरण चलेगी, उसमें क्या होता है बहुत सारी किरणें मिल करके चलती हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प्रकाश पुंज, मतलब जिसे बोलते हैं किरणों का समूह। ठीक है, अब जो प्रकाश पुंज है वो तीन तरीके से चल सकता है, जैसे एक तो हमारा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और एक होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब ये होता है कि बहुत सारी किरणें किसी एक पॉइंट पर आती हुई आपको दिखेंगी। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, बहुत सारी किरणें हैं आ रही हैं, पर वो एक पॉइंट पर आकर के मीट होंगी, मतलब मिलेंगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एक पॉइंट पर आना, अभिसारी। ठीक है, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, मतलब ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट से बहुत सारी लाइट निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं, जैसे एक बल्ब होता है वहाँ से बहुत सारी लाइटें निकलती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। तो आपको याद करना पड़ेगा अभिसारी में क्या होता है, एक पॉइंट पर आकर के मीट करती हैं, और अपसारी में एक पॉइंट से निकलती हैं लाइटें। ठीक है, और एक होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज, जिसमें क्या होता है लाइट, बहुत सारी लाइटें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, मतलब समानांतर। ठीक है, चलिए, अब जब ये चल रही हैं तो कहीं ना कहीं जाके टकराएंगी, ये तो है बस, इसी टकराने की घटना को हम बोलेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं, इस टकराने की घटना को तो नहीं बोल सकते, चलो पहले पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ये एक्चुअल में, इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कोई एक प्रकाश किरण है, ठीक है, और ये हमारे पास एक स्मूथ पृष्ठ है, मतलब समतल पृष्ठ है हमारा ये। ठीक है, ये हमारा कोई एक तल है जिस पर एक तरफ पॉलिश हो रखी है, तो इस पर हमने क्या किया, एक हमने लाइट ली, लेजर लाइट तो देखी होगी ना आपने। ठीक है, तो लेजर लाइट से हमने क्या किया, इस प्रकाश पुंज को इस पर फोकस किया, इस पॉइंट पर। ठीक, तो यहाँ से हमारी प्रकाश किरण आई। ठीक है, अब इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक हमारी ये बुक है, कैसे समझाऊँ मैं आपको, ऐसे समझते हैं। ठीक है, ये हमारा तल है, हमारा प्लेन। ठीक है, हमने एक लाइट को यहाँ से इस पर डाला, जैसे हमारा ये रेज, जो हमारी लेजर लाइट होती है उसकी हमने रेज डाली। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे आकर हमारे पे मीट हो गई। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। ये हमने एक परपेंडिकुलर बनाया। ठीक, तो इससे क्या होगा, यहाँ से लाइट आई, अब इस
तल जो है हमारा यहाँ से होते हुए ये निकल जाएगी, मतलब यहाँ से एंट्री करेगी और इधर से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे मीट हुई और यहाँ से ये निकल गई, ठीक। यहाँ से आई, इस पॉइंट पे मीट हुई और यहाँ से चली गई, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ से आना, एक पॉइंट पर आकर टकराना, टकराने के बाद दूसरी डायरेक्शन में चले जाना। अब इसमें है क्या, इस रिफ्लेक्शन होने में होता क्या है कि हमारा जो प्लेन था, प्लेन में हमने एक अभिलंब बनाया था, तो जिस एंगल पर इस प्लेन के साथ जो किरण आएगी उसी एंगल पर वो वापस चली जाएगी। मतलब ये हमारा जो अभिलंब है, अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में जो एंगल बनेगा हमारा, सपोज़ कर लो अगर ये हमारा 30 डिग्री का बना, कितने का बना हमारा 30 डिग्री का, तो जब ये यहाँ से टकराने के बाद जाएगी तो अभिलंब से उतने ही डिग्री पर वापस जाएगी। ये है हमारा रिफ्लेक्शन, परफेक्ट रिफ्लेक्शन ये होता है। ये नहीं कि यहाँ से अगर 30 डिग्री पर आइए तो वो अपनी मनमर्जी से 60 डिग्री पर चली जाए या 90 डिग्री पर चली जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभिलंब से 30 डिग्री पर अगर आई है तो अभिलंब से ही 30 डिग्री पर 30 डिग्री के एंगल से वापस जाएगी। ये नहीं, इस एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है इस वाले से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दिया अभिलंब से, मतलब इसको थोड़ा सा इधर की तरफ लेके आया, मतलब प्रकाश किरण अगर आपकी यहाँ से आ रही है सपोज कर लो, ठीक है, तो अभिलंब से सपोज कर लो ये हो गया आपका 60 डिग्री का, ठीक। तो अब जो जाने वाली किरण है वो भी तो 60 डिग्री पर जाएगी, तो समथिंग ये यहाँ पर यहाँ से होते हुए जाएगी, ठीक है, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाओगे, अगर ये यहाँ से जाएगी तो यहाँ यहाँ से आई और यहाँ से चली जाएगी, अगर इसको आप कम करते चले जाओ तो यहाँ से आएगी और यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आने वाली किरण होती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे, ठीक, और जो जाने वाली किरण होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और जिसमें हम परपेंडिकुलर बनाते दिखाते हैं, बस ऐसे ऐसा होता नहीं, हम बना नहीं सकते उसको, पर हम दिखा देते डॉट डॉट लाइन से, इसे बोलते हैं अविलंब, या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नॉर्मल, ठीक है। और ये हमारा जो है एक सरफेस प्लेन है हमारा, एकदम चिकना, ठीक है, प्लेन सरफेस है, सॉरी प्लेन सरफेस। अब इसमें जिस एंगल पर आई, जिस एंगल पर जो किरण आ रही है, यहाँ से इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जिस एंगल पर हमारी जो किरण जा रही है नॉर्मल से, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।